इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, नॉट ओनली लीनियर इक्वेशन, आपका जो नेक्स्ट पेपर अभी आने वाला है अभी आने वाला है अलजेब्रा 24/3/2022 ठीक है, तो आपका अलजेब्रा पेपर है, इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कंफर्म एग्जाम में आने ही वाले, ठीक है। लाइक मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सबसे पहले देता हूँ, लीनियर इक्वेशन कुछ 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आईएमपी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, बुक लेके बैठो। लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इट इज ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्वाड्रेटिक में आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स और वाई वेरिएबल है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको आना चाहिए और ये एग्जाम में आएगा, चाहे 1 मार्क्स के लिए आए, ज्यादा अगर 1 मार्क्स के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए पूछा नहीं जाएगा, बट अगर इसके साथ में कुछ और पार्ट हम ऐड कर देंगे तो शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर पॉसिबल हो सकता है, बट अभी 1 मार्क्स के लिए इसको आप आईएमपी नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई या फिर आ सकता है से whether the following equation is linear or not, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया, आप वीडियो के थ्रू आप उसको नोट कर लेना। आइडेंटिफाई या फिर से whether the following equation is linear or not, खाली इतना लिखता हूं मैं, linear or not, तो linear है या linear नहीं है, खाली आपको उतना बताना है, ठीक है। अब मैं यहां पे एक इक्वेशन देता हूं आपको, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन है, यस ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए पावर 1 होना चाहिए, अगर पावर के प्लेस पे आई मीन 1 के प्लेस पे 2 आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, समझ में आया। अगर मैंने यहां पे लिख दिया स्क्वायर तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले 2 वेरिएबल नहीं होता, वो सिंगल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप खाली यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि ये वाला इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, इन हाउ मेनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन पूरा क्या रहेगा, आइडेंटिफाई और से वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट, समझ में आया। यस और नो में आंसर देना है, अगर वहां पे जस्टिफाई लिखा रहेगा तो रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों लीनियर है या क्यों लीनियर नहीं है, समझ में आ गया। अगर लीनियर रहेगा तो रीजन लिखो, पावर 1 है, 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई या एम एंड एन जो भी कुछ रहेगा, आपका रीजन अकॉर्डिंगली आप लिखोगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है वो आपको पता लगाना है, ठीक है, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और सुपर कंफ्यूज रहते हैं, पहले वो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। भाई ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स के लिए हम ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 1-2 लाइन में 4 लाइन में आपका आप सोल्व करके उसके आंसर को निकाल सको। पता नहीं बच्चे पूरा 1 पेज का सॉल्व करते हैं, कट करते हैं, सेकंड पेज पे करते हैं, उसको कट करते हैं और बाद में आंसर आता ही नहीं है उसको, फिर लोग एक्स का वैल्यू अलग लिखते हैं, वाई का वैल्यू अलग लिखते हैं, फिर एक्स और वाई को प्लस करके लास्ट में आंसर लेके आते हैं। उतना कुछ करना नहीं, मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x + 4y = 10 एंड 4x + 6y = 10, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने दे दिया, क्वेश्चन इसका यहाँ पे लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन देख के तो कंफ्यूजन होएगा कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करना है।
आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर चेंज हो सकता है, टाइप आने वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सिंपल एक ही काम करने का, सीधा प्लस मारने का, इक्वेशन वन इक्वेशन टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करने का आजकल, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिखा, सिक्स इधर सिक्स, फोर इधर फोर, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है, ऐसा क्वेश्चन दिखा तो सीधा क्या करने का, प्लस करने का, किसके लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। सिक्स प्लस फोर टेन एक्स, फोर प्लस सिक्स टेन वाई इज इक्वल टू टेन प्लस टेन ट्वेंटी, समझा, टेन टेन कॉमन है या टेन टेन ट्वेंटी, तीनों भी एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, टेन से डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइड कर दिया मैंने, ओके डिवाइडिंग बाय टेन, तो ये टेन कट हो गया, इसका टेन कट हो गया, ये सिर्फ टू बचेगा, मिल गया, मिल गया, कितना टाइम लगा, ओरली भी कर सकते थे उसको हम लोग, बट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसके लिए कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके आपको प्रेजेंटेशन देने का कोई मतलब नहीं है, रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर लिखने का पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था किसी वीडियो में, बट वापस एक बार बता दूं, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अल्फाबेट के साथ आपका आंसर आना चाहिए, जो भी कुछ नंबर है, वन टू देन थ्री एंड फोर, ठीक है, जो भी आपका रहेगा। ये अल्फाबेट लिखना मत भूलना, अगर अल्फाबेट आपने नहीं लिखा, अल्फाबेट लिखना भूल गए तो फिर आपको इसका मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में अगर कैपिटल अल्फाबेट है तो कैपिटल ही लिखना है, और अगर स्मॉल अल्फाबेट दिया रहेगा तो स्मॉल अल्फाबेट लिखना है, अपनी होशियारी मारने का नहीं इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव में कोई भी छेड़छाड़ करने का नहीं, ठीक है। बहुत ईजिली मार्क्स मिल जाते हैं और बहुत ईजिली मार्क्स चले भी जाते हैं, जुए की तरह, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट फटाफट नोट कर लो उसको, कितने क्वेश्चंस बता दिए मैंने, तीन क्वेश्चंस आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन नंबर फोर लिखता हूं, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को दिया जाएगा, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वेरिएबल, मान लो y दिया रहेगा तो x फाइंड करना है, x दिया रहेगा तो y फाइंड करना है, n दिया रहेगा तो n फाइंड करना है, n दिया रहेगा तो m फाइंड करना है। क्वेश्चन में दे देता हूँ, मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा था, फर्स्ट चैप्टर का ही खाली नोट किया, बाकी सब ऐसे ही बता दूंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन, ठीक है। x का वैल्यू 3 है, मैंने यहाँ पे 3 का आई मीन 3 यहाँ पे पुट किया, थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू नाइनटीन, थ्री थ्री सा नाइन प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइनटीन, नाइन वहां पे गया, नाइनटीन में से नाइन माइनस हो गया, टेन बचा, टू यहां से वहां जाएगा तो टेन के नीचे आएगा, वाई का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, फाइव। नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको x प्लस वाई का क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, और दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे देता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499
टेक्सुअल क्वेश्चन ही है ये, देन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ठीक है? आप लोग खुद सॉल्व कर लेना इसको, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सो जस्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा दोनों में, ठीक है? 1000 आता है ना, डिवाइड हो जाएगा आराम से और x और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 121 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ठीक है? अगेन देखो 17 17 15 15, इंटरचेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या करना है, प्लस करना है। और ये वाला क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, IMP एग्जाम में आता है, ठीक है? आप लोग के पास तो लास्ट ईयर का पेपर है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम हुआ ही नहीं था, बट हमें पता है ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे लीजिए। ये सब चैप्टर नंबर 1 से दे रहा हूँ, और जितना भी दे रहा हूँ ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। डिटर्मिनेंट्स वाला क्रेमर्स रूल जो है वो पता है ना आप लोगों को, डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू, डी एक्स वैल्यू सब कैसे फाइंड करते हैं। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, सॉल्व 3 3 2 2 5, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और ले लो, 5 माइनस 7 3 एंड 0। अब मैंने ये दो क्वेश्चन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, नंबर चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये डिवीजन में हो या रूट में हो, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 200% एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है? पेपर में नहीं आया तो पेपर फाड़ के बाहर निकल जाना, क्या ये वाला क्वेश्चन, हाँ फाड़ के बाहर निकल जाना, क्योंकि आपने पढ़ के गया, वो एग्जाम में आया नहीं आपको, समझ में आया, ठीक है? चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्रेमर्स रूल, ये भी एग्जाम में आएगा। हाँ बोल रहे सब बता दो, सब आएगा, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आने वाली है, ठीक है? क्रेमर्स रूल, खाली मैं यहाँ पे क्रेमर्स रूल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आपको पता है, आप टेक्सुअल एक्सरसाइज जाकर के उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए चाहिए, तो मैं देखूँ 5x + 3y = -11 एंड 2x + 4y = -10, ठीक है? आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा, साइमल्टेनियस मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 6 के बाद 7वां क्वेश्चन मैंने साइमल्टेनियस वाला मेथड बता दिया, उसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, बट वो टाइप याद रखिए। टोटल 7 चीजें मैंने आपको बता दी, इसमें लीनियर इक्वेशन में 7 में से 4 तो कंफर्म आना ही आना है पेपर, ठीक है? क्लियर है? अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, बाद में आपको बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बोलिए? अब आ जाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इसमें से बहुत सारी चीजें डिलीटेड भी है। तो जैसा मैंने उसका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताया था, वैसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्म, ठीक है? इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + y = 0, ठीक है? यहां पर स्क्वायर रहना बहुत जरूरी है, स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये लीनियर हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से ही क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम वेरिएबल होता है, एक्स तो यहाँ पे भी एक्स, इधर वाई तो उधर भी वाई, इधर एम तो उधर भी है, इधर जेड तो उधर भी जेड, एक ही वेरिएबल रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वहां पे दो अलग अलग वेरिएबल्स थे,
क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल्स नहीं होते, खाली एक ही वेरिएबल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे ए का वैल्यू कभी भी जीरो, मान लो ना अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर विल बी जीरो, मतलब ये चला गया, ये चला गया तो कौन बचा, खाली एक्स बचा, उसका पावर कितना है वन, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर ये क्या है, लीन ले रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बी का वैल्यू जीरो हो सकता है, और इधर वाई का वैल्यू भी जीरो हो सकता है, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, सॉरी सी, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू में से बी और सी का वैल्यू जीरो हो सकता है बट ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखिए, ये आपको एक मार्क्स के लिए भी आ सकता है और अगर आइडेंटिफाई करके जस्टिफाई करने बोला तो दो मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है, बट मोर चांसेस इसके वन मार्क्स के टाइप में आने के हैं, ठीक है। अब मैंने क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन निकाल पाया था लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक से ही अब बताऊंगा कि क्या करना है, क्वेश्चन बताते जाऊंगा बोर्ड पे, ये मार्क किया है ना सब, अच्छा चैप्टर नंबर वन में से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है लाइक आपको ऑब्जेक्टिव में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, आपको dx दिया हुआ है और d दिया हुआ है, क्रेमर्स रूल में यही फाइंड करते हो फिर डिवाइड करके आंसर ले लेते हो आप, बट आपको क्वेश्चन में ये दो वैल्यू दिया रहेगा और ये वाला वैल्यू आपको फाइंड करने बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, दिख गया मुझे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे आओगे ना पेज नंबर 31 पे, तो पेज नंबर 31 के ऊपर जो चार्ट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूँ, तेरी बुक में मार्क कर देता हूँ मैं, हाँ नहीं एक पेंसिल में मुझे दे दी, पेन दे दीजिए, चलो तो इसको मार्क कर लो, ये एक्टिविटी जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी का वैल्यू लिखने आना चाहिए। इसमें बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, जहाँ पे नेगेटिव साइन रहता है ना, और नेगेटिव का साइन भूल के मान लो -7 लिखा है, 7 लिखेंगे लेकिन नेगेटिव नहीं लिखेंगे, पता नहीं क्या आप लोग को दुश्मनी नेगेटिव से, तो नेगेटिव साइन मत भूलिएगा, कहीं कहीं रीअरेंजमेंट करने करना पड़े तो पहले रीअरेंजमेंट करने के बाद फिर एबीसी का वैल्यू लिखो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सेकंड जो दिया है, क्या दिया है सेकंड वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y - 7, है ना, पूरे साल पढ़ाई की है ना कि पहले उसको यहाँ लिख के आइए फिर एबीसी का वैल्यू लिखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू -7 है, रॉन्ग मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको इधर लेके आइए, तो 2y इधर गया माइनस उधर प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखो a के प्लेस पे क्या है 1, b के प्लेस पे क्या है 2 - 2, देखिए अभी अभी मैंने बताया क्या रहेगा -2 और c के प्लेस पे क्या रहेगा 7, अदरवाइज आप -7 लिखे होते तो उसका, तो पहले उसको सबके जितने भी वैल्यूज है सबके सब एक साइड में लेकर के आइए और उसके बाद में अब उसका ए बी सी का वैल्यू लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिसाइड वाला क्वेश्चन है, उसी पेज पे नीचे दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन मार्क आईएमपी मार्क कर लो डायरेक्टली, अब आ जाइए पेज नंबर 32 पे, पेज नंबर 32 वहां पे एकदम बॉटम में सॉल्व एग्जांपल दिया, देखो मिला 2x² - 7x + 6 = 0, चेक वेदर एक्स इज इक्वल टू 3/2, इसको टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है इसके बाद में पेज नंबर 34 पे आ जाइए और डिसाइड वाला क्वेश्चन वहां पे भी देखा था, यहां पे भी दिया है डिसाइड वाला क्वेश्चन, ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इफ फाइंड के इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को टिक कर लो 5 और 6 को। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा पेपर में, फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा ही रहेगा,
मार्क कर लीजिए। अब कौन सा रहेगा वो क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा और डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इजी रहेगा, ये मेरा चैलेंज इजी रहेगा। हाँ, जो पढ़ के नहीं जाएगा बोलेगा सर का चैलेंज बोले बेकार हो गया, इजी रहेगा। तो उसको कितना भी इजी रहेंगे जिसने नहीं किया वो तो क्या बोलेगा मुझे नहीं मालूम है, डिफिकल्ट है। तो प्रैक्टिस जिसने किया रहेगा, थोड़ा भी प्रैक्टिस किया रहेगा उस एक्सरसाइज को, मान लो हर एक क्वेश्चन को तीन तीन बार भी किया रहेगा, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। और जिंदगी में खाली एक ही बार किया रहेगा तो सेकेंड टाइम एग्जाम में नहीं कर पाएगा। 2.3 ओमिटेड है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में फॉर्मूला मेथड ऑप्शन में आता है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा या फिर फॉर्मूला मेथड रहेगा, ये दो में से एक चीज कंफर्म है, दोनों नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। इतने साल से मैं पेपर देख रहा हूँ ना, तो पता है मेरे को, है ना, घर से चार लोगों को दावत दी है तो चार नहीं तो कम से कम एक तो आता ही आता है ना शादी में। वो बात अलग है कि आजू बाजू वाले भी और सब आस पड़ोस वाले और घर वाले सबको लेके आते दावत, मैंने दावत है, ठीक है। बट यहाँ पे ये दो में से एक कन्फर्म आएगा, दोनों भी आ सकता है बट एक कन्फर्म आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो सम होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, आंसर करेक्ट आता है बट मिस्टेक क्या करते हैं वो बता देता हूँ, जिसके वजह से उनके मार्क्स जाने के चांसेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन जेन्युइन है, सॉल्व कर सकते हो, 2 + 1 = 2, 2 + 1 = 3 होता है, सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर इसको आपको सॉल्व करना है बाय बाय विच फॉर्मूला मेथड, ओके, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप कंपेयर करिए, ठीक है। कंपेयरिंग के ऊपर मार्क्स होता है, कंपेयर करने के बाद में ए बी और सी का वैल्यू क्या है वो लिखिए, इसके ऊपर मार्क्स होता है। फिर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो, डेल्टा लिखा है मैंने, चलो डिस्क्रिमिनेंट लिख देता हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा इस चैप्टर पर पूरा मैंने लेक्चर्स डिलीवर किया है यूट्यूब पे, ठीक है, तो वीडियो में ऊपर आई बटन रहेगा, वहां से जाकर के आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको कंपेयर करना है, कैसे एबीसी का वैल्यू निकालना है, कैसे डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फिर आप आंसर लेके आते हो, ठीक है। इसके बाद में फिर आप फॉर्मूला यूज करते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 into a। ये नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट अंदर चलेगा, समझ में आया, बट ये लिखोगे तो बेहतर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर, ये हो गया। इसके बाद में आप इसको सॉल्व करते हो और लास्ट में आंसर लेके आते हो, एक्स का वैल्यू 2 मिलेगा, कॉमा डाल के आप इसके आंसर लिखते हो, लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट। देख लो ये स्टेप्स है इसके, अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर आपको मार्क्स भी मिलने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स के लिए, अगर इजी क्वेश्चन रहेगा तो 3 मार्क्स के लिए, और रूट रूट घुसा के पूछा तो शायद बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली लाइक यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स, फिर कंपेयरिंग के बाद एबीसी का वैल्यू लिखते हो, कंपेयरिंग पे हाफ नहीं मिलता है बट कंपेयरिंग करके आप एबीसी लिखते हो, फिर जब आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है, फिर ये वाले फॉर्मूले पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है, फिर वैल्यूज को आप इसके अंदर डालते हो सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलता है, और लास्ट में आप इसको हाफ मार्क्स मिलता है और स्टेटमेंट को हाफ मार्क्स मिलता है, ओके। 3 मार्क्स, 1 2 3। हम क्या करते हैं कभी कभी कंपेयर किया नहीं, एबीसी का वैल्यू ध्यान में है अपने को, सीधा इसके अंदर डाल दिया तो आपका ये मार्क्स चला गया, आपका मार्क्स यहां से काउंट रहेगा, है ना। आंसर करेक्ट आएगा
लेकिन क्योंकि आपने यहाँ का एक स्टेप मिस कर दिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्टेप को मिस कर देते हैं, नहीं करते, बट इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसके अंदर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, उसका मार्क्स यहाँ पे मिल जाए तो हाफ प्लस हाफ यहाँ पे मिलेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे करो या इसके अंदर डाल के करो एक ही बार, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखिए, बहुत से बच्चे फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखते। टू बी फ्रेंक, पढ़ा था साइंस टू, बट मैंने 3 साल मैथमेटिक्स के पेपर भी चेक किए बोर्ड में साइंस के अलावा, तो मुझे पता है कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहाँ कहाँ मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद में पेज नंबर 43 पे आ जाइए, वहां पे कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म, वो नहीं, उसके नीचे वाला जो है ना, अच्छा वो मैंने बता दिया है, वो हो गया, नेचर ऑफ रूट नहीं है ना आप लोगों को है? क्या बबुआ, सब सब टिक करके रखे हो, सब कैंसिल है, हा? पेज नंबर 45, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। इसके बाद में आ जाइए, अल्फा बीटा वाला नहीं है आप लोगों को, पेज नंबर 49 पे, पहला वाला क्या 45 के बाद 49, यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो दिया है इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करिए, डिटरमाइन द नेचर नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपी वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से आपको लगता रहेगा कि मतलब इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है ये, बट आता है, ठीक है। लाइक T1, T2, T3 दिया रहेगा, T4, T5 फाइंड करने बोला है, ऐसा लगता है कितना चिंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये आता है और हर बार आता है, हर पेपर में आता है, आपके भी स्कूल में प्रीलियम हुआ रहेगा, हर पेपर में वो क्वेश्चन आपको मिला रहेगा, उसके बिना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होते ही नहीं, ठीक है। या फिर आपको इक्वेशन दिया रहेगा, सॉरी सीक्वेंस दिया रहेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई whether this sequence, this is a sequence or not, AP है या नहीं है वो find करना, तो वो कैसे find करेंगे, T2 में से T1 minus किया, क्या answer आया, फिर T3 में से T2 minus किया, क्या answer आया, फिर उसका next successive term को minus किया, क्या answer, तीनों same आया तो है, नहीं आया तो नहीं है, difference is same then it will be a AP, if difference is not same तो फिर वो AP नहीं रहेगा, तो ऐसे questions आते हैं exam में। और ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, पेज नंबर 61 पे ए और डी का वैल्यू दिया है, ठीक है, और वैल्यू को पुट करके आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लीजिए 61 पे, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लीजिए, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाकी के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, -10 -6 -2 2, बात समझ में आ रही है, -2 2 2 के बाद फिर सीधा 6 आने वाला है, 6 के बाद 10 आने वाला है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर आधा नंबर माइनस में दिया आधा पॉजिटिव में दिया, ये सीक्वेंस है या नहीं, सीधा नो सॉल्व किया नहीं, सीधा नो लिख दिया, सॉल्व करो आपको पता चलेगा कि है या नहीं, इसका आंसर यस आता है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इसको मार्क कर लो आएगा एग्जाम में। वैसे पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, तो अपना माइंडसेट इतना डिफिकल्ट लेवल का मत बना के रखो, अदरवाइज इजी पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 66 पे राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस, वो कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए, फोर्थ कर लीजिए, फोर्थ और फिफ्थ सेम है,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अभी नहीं दिए, ठीक है, इस चैप्टर का दे दूंगा मैं। पेज नंबर 72 पे ये जो एक्टिविटी दी है, फर्स्ट एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सा मार्क किया मैंने, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है उसका। क्वेश्चन नंबर 6 जो नीचे दिया इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ये पहले एचओटी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को पूछा जाता था, अभी आपको एचओटी टाइप हटा ही दिया है, बट एचओटी टाइप का ही क्वेश्चन है ये, एचओटी क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट बोलते हैं, बट वो हॉट बच्चा अलग समझते हैं, हॉट क्या हॉट है उसके अंदर, वैसा कुछ गर्म नहीं है उसके अंदर, हॉट का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। पेज नंबर 78 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रो वाला प्लांटेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है वो, प्लांटेशन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद कारगिल वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सब बड़े जो लास्ट के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लीजिए, आ जाइए। इसमें से एक जो एमसीक्यूज दिया है ना, इसमें से एक एमसीक्यूज पक्का है। पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, रियली आप लोगों को ब्लेसिंग्स है। ये चैप्टर तो टीचर लोग को पढ़ाने में कितने लोग की पसीने छूट जाते हैं ये चैप्टर पढ़ाने के लिए। अच्छा है कि आप लोगों को नहीं है ये चैप्टर, है ना। अभी हम लोग को भी 2 साल से नहीं पढ़ा रहे ना, तो अभी अगले साल हम लोग को ही प्रॉब्लम होने वाला है पढ़ाने के लिए। तो 2 साल से हम लोग को खुद टच में नहीं वो चैप्टर के। हाँ, कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मैं कोई क्वेश्चन का टिक मार फिलहाल भी नहीं दे रहा हूं, पहले सुन लीजिए। लाइक वन कॉइन इज टॉस्ड, कितनी प्रोबेबिलिटीज रहने वाली है? 2। कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाया, मार्क्स नहीं मिलने वाले। सैंपल स्पेस लिख के एस लिख करके फिर आपको कंटिन्यू करना है, एन ऑफ एस लिख के नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आपको लिखने काउंट करके, ठीक है। ये हो गया, अ डाई इज थ्रोन, उसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टू डाइज आर थ्रोन, उसका क्वेश्चन आ सकता है, सुन लो। फिर 3 डिजिट दिए, जैसे कि मैं आप लिखता हूं 2, 3, 5। ये 3 डिजिट को यूज करके कितने पॉसिबल नंबर्स आप बना सकते हो 2 डिजिट वाले विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसके लिए क्या करोगे, 2, 3, 23, 2, 5, 25, then 3, 2, then 3, 5, then 5, 3, 5, 2, बस इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्रॉ करके करोगे ना तो इजी जाएगा, ड्रॉ नहीं करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो चाहे आपको 3 से 4 डिजिट्स दिया रहेगा, मतलब 4 नंबर्स दिए रहेंगे, तो भी आप अगर इसके थ्रू करोगे तो ये सिंपल रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज में राइट हैंड साइड में नीचे दिया, ऐसा ध्यान है मेरे को, ठीक है। तो बट सैंपल स्पेस लिखने के टाइम पे कर्ली ब्रैकेट नहीं देगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए, समझ में आ गया ये। इसके बाद में वो कार्ड वाला पता रहना चाहिए, कितने राजा है, कितने रानी है, कितने चोर है, कितने सिपाही है, ठीक है, डायमंड कार्ड कितने है, वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए अच्छे से, तो आपको ये चैप्टर इजी रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में
मेन प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने आना चाहिए, लाइक सैंपल स्पेस दिया है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इस पर भी आता है, टू डाइज आर थ्रोन, तो टोटल 36 सैंपल से लिखोगे आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर 2.1, 2.2, 3.4, फिर 3.14, ऐसे पूरे टोटल 6 इधर 6 इधर, 6 × 6 36 हो जाएगा, बराबर। इसमें से अपर फेस में कोई ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस करके इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 6। क्या आपका थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 है, ठीक है, वो मुझे मालूम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो 6 कैसे मिलेगा, लाइक 1.5 है तो मिलेगा, ठीक है। अब 1.5 से डायरेक्टली आप ऐसा देखते जाओगे ना डायगनली, तो सारे नंबर्स वो आपको वही मिलेंगे, लेकिन बराबर लिखा रहेगा तो, ठीक है। और लास्ट में 6.6 ये भी रहेगा, सम नहीं मल्टीपल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। मल्टीपल मतलब 6 + 6 = 12, 6 × 12 होता है, ठीक है। तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी देखो ना, यहाँ पे दिया है ना 1.6, ठीक है, उसके बाद में 2.4, 3.3, 4.2, 5.1, ऐसा लाइन से पूरा दिया हुआ, और लास्ट में 6.6, ये सब के सब उसके आंसर्स रहेंगे, ठीक है। इसमें से ये मार्च का दिया है ना, आपको अप्रैल का दिया रहेगा, इधर मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है ना, मल्टीपल ऑफ 4 पूछा रहेगा, तो टाइप चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, टाइप सेम रहेगा। फिर ये कमिटी वाला क्वेश्चन करिए, इसके बाद में इसमें से जितने सॉल्व एग्जांपल कर सकते हो ना करिए, सॉल्व एग्जांपल में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। पेज नंबर 123 पे जितने भी क्वेश्चन दिए, 123, 124, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसको। क्वेश्चन मैंने पेपर सेट करने के टाइम दिया था प्रीलिम्स के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी कैन बी कैन नेवर बी क्या बोल रहे हो, बोलो, पॉइंट नहीं आया, वो पॉइंट नहीं आएगा क्यों, ठीक है। इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर के बाद में। प्रोबेबिलिटी कैन बी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 और कैन नेवर बी स्मॉलर देन 1, ठीक है, ये बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 उसका इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सेट 5 में। उसके बाद में वो जोसेफ वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर बलून वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एज शोन, ए बी सी डी ई जो भी दिया है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये चक्री वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एक वहाँ पे भी था जहाँ पे रेड येलो ऑरेंज कलर का पूरा चार्ट दिया था मार्च वाले क्वेश्चन के ऊपर, वो बताना भूल गया था मैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 128 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद कुछ नहीं ना आपको, ठीक है। अब जब आप मैथ्स का पेपर लिखोगे ना, चाहे अलजेब्रा लिखो या ज्योमेट्री लिखो, मैथ्स का पेपर लिखोगे, पता नहीं किसने बता दिया है, किस बेवकूफ ने बता दिया है कि क्वेश्चन पेपर को पीछे से शुरू करेंगे तो बहुत इजी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बेवकूफ वैसी है, पता नहीं पीछे से शुरू करता है तू, क्यों सर पीछे पहले छूट जाता है तो आगे का नहीं छूट जाएगा तेरा, पीछे से शुरू करेगा तो आगे का छूट जाएगा, आगे का शुरू करेगा तो पीछे का छूट जाएगा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, पीछे और आगे का कुछ मतलब नहीं है, पहले ये कर देंगे पहले ये कर दे, पहले ये नहीं करेगा तो ये कैसे करेगा, वो उल्टा सोचता है, पहले ये करेगा तो खाली होगा ना, तभी तो अंदर जाएगा बोले,
ठीक है, शुरू स्टार्टिंग से करने का, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने बोले थे कि पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, भाई साहब ऐसा मत करिए देवियों सज्जनों, ऐसा मत करिए प्लीज, सिंपल भी नहीं, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करना है, ना मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया ना मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं सॉल्व, पहले सबसे पहले जितने भी इजी क्वेश्चंस है इजी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन आपने किया, क्वेश्चन नंबर टू आपने किया, फिर डायरेक्टली आपकी नजर पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13 पे, बोले अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला वो क्वेश्चन करता हूं मैं, है ना। उसके बाद सीधा आपने वो 13 वाला क्वेश्चन शुरू कर दिया, बात समझ में आ रही। फिर आपने क्या किया, फोर्थ वाला भी तो इजी था, वहां से पीछे रिवर्स गियर मार के आप वापस फर्स्ट पेज पे आ गए, फिर वो वाला सॉल्व किया, फिर अरे 16 वाला तो और इजी था 17 वाले से, फिर वहां पे चले गए। भाई साहब ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जितने लोग पेपर ज्यादातर चेक करते हैं ना छुट्टियों में करते हैं, अंडरस्टूड, सब घर में रहते हैं, किरकिरी होती है, उसमें आपकी किरकिरी देख के सारे मार्क्स गए, फिर आपके प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है। प्रेजेंटेशन को आप एकदम दुरुस्त करिए, सही करिए, सीक्वेंस फॉलो करिए, 1 2 3 4, फोर्थ वाला नहीं आ रहा फिफ्थ वाला करो, दोनों नहीं आ रहा भाई स्पेस छोड़ दो नीचे के, बाद में करूंगा मैं, है ना। बिना स्पेस छोड़े क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट मत करो। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि मैं लिख सकता हूं या मुझे मिल सकता है तो स्पेस छोड़ दो, बाद में करो उसको, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे सीक्वेंस आप मेंटेन करिए, यहाँ वहां जितना हो सके आप आंसर आपका, जितना भी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हो उतना प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, ठीक है। बिल्कुल एग्जामिनर को जो पेपर चेक करने वाला है उसको ऐसा मत फील कराओ कि इरिटेट होके आपके मार्क्स कट करने की कोशिश करे। मार्क्स कैसे कट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। जब आप यहाँ वहां क्वेश्चन लिखते हो, हमने क्वेश्चन नंबर वन का टोटलिंग कर दिया ऊपर, क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट क्वेश्चन आपने लास्ट पेज पे लिख के रखा है, चेक करते करते लास्ट पेज पे आया तब पता चला हाय बब्बा क्या किया, इधर का क्वेश्चन उधर लिख दिया है, फिर वापस से मैं उसको वहां पे मराठी के पेपर में हो गया था। तू तो महान है भाई, मेरी क्या बात है, ठीक है। फिर वहां का मार्क्स अगर एडजस्ट कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं कर सकता हूँ तो मुझे ओवर राइटिंग नहीं करना है, फिर मैं वहां से मिस्टेक निकालूंगा, यहाँ से मिस्टेक निकालूंगा, राउंड फिगर सेम कर दूंगा, ठीक है, और जेन्युइन मिस्टेक निकालूंगा कि हाँ ये जेन्युइन, ऐसा नहीं कि कुछ भी अड़म पड़म मैंने कट कर दिया और मार्क्स काट दिया, नहीं जेन्युइन निकालूंगा, ठीक है। तो जितना हो सके आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी की बात क्या होती है, मान लो मैंने किसी एक नए टीचर को आज अपॉइंट किया मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए दो टीचर आपके सामने आए, अभी तक उन्होंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, ठीक है, दो टीचर आपके सामने खड़े, एकदम वैसा है ना, और दूसरा एकदम हैंडसम, मस्त शर्ट और पैंट और जीन्स जो भी कुछ डाल के इन विन करके चश्मा वश्मा लगा के एंट्री मारा एकदम मस्त, बराबर समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे, handsome. जो हैंडसम है वो भले से उसको कुछ नहीं आता हो, वो तो बाद में पता चलेगा ना, तो पहला एक्सप्रेशन क्या रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, क्या अंदर है भीतर क्या है वो तो बाद में पता चलता है हम लोग को, लेकिन पहला एक्सप्रेशन आपका जो है इम्प्रेशन जो है वो आपका राइटिंग है, आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो भले से सज धज के बंदा आया आप, वाह अरे आज तो अपने मजे, आज अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है, अच्छा पढ़ाने वाले सर, ठीक है, लेकिन जो ऐसा वाला था ना भले से वो अच्छा पढ़े टीचिंग उसकी अच्छी रहे लेकिन जब तक वो बोलना शुरू नहीं करेगा ना, जो विद इन है वो बाहर नहीं आएगा ना, जब तक पता नहीं चलेगा। तो पहला एक्सप्रेशन जो रहता है वो आपका राइटिंग से आपके इम्प्रेशन पता चलेंगे कि आपने क्या कंटेंट उसका लिखा है, बात समझ में आ रही है। तो प्रेजेंटेशन पार्ट आपका अच्छा रखिए, ओवर राइटिंग कैंसिलेशन ये वो सारी चीजों को आप अवॉइड करिए, ठीक है, जहां तक हो सके आप उसको अवॉइड करिए, अंडरस्टूड। सीक्वेंस मेंटेन करिए और एमसीक्यूज में अल्फाबेट्स लिखना, जो ऑब्जेक्टिव्स के जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। दैट्स इट विद एलजेब्रा, सो होप सो योर एग्जामिनेशन विल गो वेल, ऑल द बेस्ट, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू ऑल, ठीक है। ऐसे ज्योमेट्री के लिए भी हम करेंगे और एलजेब्रा का सॉल्यूशन शाम में जिस दिन पेपर रहेगा उसके इवनिंग में एलजेब्रा का
सॉल्यूशन सेट भी करने वाले हैं।